हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डी बूट। अभी मैं एक और अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी राइडिंग का मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया और कुछ और बाकी भी है, तो मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने न्यू बाइक लिया हूँ हिमालयन, तो उसके लिए बहुत सारा एसेसरीज चाहिए था। तो उस एसेसरीज का कुछ का मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने हेलमेट का अनबॉक्सिंग किया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाके हेलमेट का अनबॉक्सिंग देख सकते हो। और उधर बहुत सारा अनबॉक्सिंग है, आपको जैकेट, बूट एंड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट राइडर को क्या क्या चाहिए मैंने सारा अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइडिंग का, मतलब कह सकते हैं राइडिंग गियर तो नहीं है, बस राइडिंग से रिलेटेड है। और वो क्या है, मतलब TPMS, मतलब टेम्परेचर मॉनिटर सिस्टम है, जो मैंने ऑर्डर किया था अमेजन से। और बिट एक्सपेंसिव, बट सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। मेरे हाथ में आपको ये आप देख सकते हो, ये आपको सेंस एरी का, मतलब ये आपको सेंस एरी का TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये क्यों चाहिए, मतलब एक्चुअली अब तक का जो वर्ल्ड वाइड सर्वे किया हुआ है, जो मैक्सिमम एक्सीडेंट होता है वो टायर के जो एयर प्रेशर है, मतलब टायर में जितना हवा होना चाहिए, नॉर्मल भाषा में बोले तो टायर में जितना हवा होना चाहिए, कभी कभी हवा कम होने के कारण हम लोग को तो एक आइडिया होता है कि चलो इतना थ्रोटल, इतना एक्सीलेटर देंगे तो हमारा गाड़ी इतना भागेगा। हवा कम होने के कारण वो बढ़ता नहीं है, मतलब स्लो हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। तो ये इससे क्या आपका बेनिफिट है, ये लगा रहेगा तो आपको मोबाइल में ये दिखाता रहेगा। मैं अभी मोबाइल में भी करके दिखाऊंगा और लगा के भी दिखाऊंगा, है ना, और किस तरह से ये लगता है और इंस्टॉलेशन कैसे होती है, मतलब शॉर्ट में मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। और ये साथ ही साथ आपको, और ये आपको मतलब मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, और मोबाइल में जो है आपको ये मतलब टायर प्रेशर और टायर टेम्परेचर सारा वो आपको मेंशन करता रहता है, दिखाता रहता है। अब इसमें कुछ सेट करने का आपको दिया हुआ है, जैसे कि आप आपकी कौन सा बाइक है, किसी भी बाइक में लगा सकते हैं। ये कार के लिए भी आता है, बाइक के लिए भी आता है, क्योंकि मेरे पास तो बाइक है, तो मैंने बाइक के लिए ऑर्डर किया हूँ। दो सेंसर का आया है, तो इससे आपको क्या, यदि आप उसमें कुछ सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने देखा है मोबाइल ऐप्स में, तो ये इंस्टॉल करने के पहले आपको मोबाइल ऐप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए और इसके आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ और क्या क्या है। चलिए मैं सबसे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, सेंस एरी का मतलब टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम दिया हुआ है। ये मतलब ये एक्सटर्नल सेंसर है, इसमें एक्सटर्नल सेंसर यूज किया है। ये ऐसे इसमें पिक्चर में तो चार दिया हुआ, क्योंकि ये व्हीकल के लिए जो चार फोर व्हील होता है, लेकिन मेरे पास तो बाइक है, तो मैं बाइक के लिए, मैं बाइक के लिए दो आता है और फोर व्हील के लिए चार आता है। तो ये नेचुरल थिंग्स है, बाइक में दो ही टायर होता है, दो ही। तो अमेजन से मैं ऑर्डर किया था और मुझे ये रिसीव हुआ। इसके अंदर क्या क्या मैं दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपको ये कुछ स्कैन का करने का दिया है, मुझे देखना होगा ये क्या है। और ये मैनुअल है, ज्ञान की बात है, ये भी मुझे देखना होगा। और इसके अंदर ये आपको, ये मेन सेंसर के साथ है, सेंसर जो है आपको छोटा सा काला ऐसा शायद दिखाई दे रहा होगा, शायद मेरे अनुसार शायद यही है, अंदर सा काला ऐसा एक रिंग है, और ये आपको उसमें लग जाता है, टायर में लग जाता है। और इसमें दो दिया हुआ है, 1 and 2। उसके बाद ये आपको लॉक, ये लॉकिंग सिस्टम, क्योंकि सेंसर आप नॉर्मल इस तरह करके लगा देते हैं टायर में तो कोई खोल भी सकता है, तो उसको लॉक करने के लिए ये दिया हुआ है वाशर। तो देखते हैं किस तरह से लगता है, मैं वो करके भी मैं दिखाऊंगा आपको। और या और कुछ, ये सेंसर है छोटा वाला जो मैंने आपको दिखाया था, जो उसके अंदर था, ये आपका हो गया। और ये एलंकी दिया हुआ है, रिंच बोले या एलंकी बोले जो बोल सकते हैं, ये आपको ये दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर का मैंने सारा दिखा दिया था। ये जो ये आपको दिया हुआ है, ये आपको जब ऐप्स इंस्टॉल करोगे तो उसका प्रोसेस पहले देख लेता हूँ क्या दिया हुआ है, शायद इस मैनुअल में कुछ दिया होगा। इसमें दिया हुआ है कि आप फर्स्ट आप गूगल साइन करें, सेकंड दिया हुआ है जो ये बारकोड दिया हुआ है, आप इसको ये इंस्टॉल करें या मॉडल नंबर रखें।
तो आप इसको ये फॉलो करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं भी ऐप्स इंस्टॉल करूँगा और मोबाइल में, और उसे करके मैं देखूँगा। इसके अंदर बैटरी दिया रहता है, आप इसे खोल सकते हो, ये आराम से खुल जाएगा ऊपर का कवर। तो इसमें दो बैटरी लगा हुआ है। तो चलिए इसको अब इंस्टॉल करके मैं दिखाऊंगा आपको। मैं जैसे मैंने बताया आपको, सिंस एरी का जो मतलब TPMS है, टाइप प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, तो मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। अब मैं आप इसका इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। ये है इसमें लगाने का, नॉर्मली इसे लगाते हैं तो ये इस तरह से लगेगा, तो ये खुल जाता है। तो उसके लिए इसका रेंच दिया हुआ है, ये लॉक है इसका, ये लॉक फर्स्ट ये लॉक लगाना होगा। तो सबसे पहले इसे लगाते हैं, इस तरह से लॉक अंदर चला जाएगा। ये लगाने के बाद आपको मतलब इसका ऐप्स इंस्टॉल करना होगा। थोड़ा सा प्रेशर करोगे उसके बाद ये इस तरह से लग जाएगा। सो यू हैव टू डू द क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज में तो ये ओपन हो जाएगा। ये तो ज़्यादा टाइट नहीं करने का है, जितना तक जा सकता है ये ऐसा चला जाएगा। और इसको आप ऊपर कर दोगे ये जो है आप। घूम रहा है थोड़ा सा, ये इस तरह से लग गया एक टायर का। मैं सेकंड टायर को लगा के दिखाता हूँ मैं आप। सो हैव टू डू द अगेन द सेम थिंग, यू हैव टू पुट द दिस वन फर्स्ट लाइक दिस, देन। और इसके अंदर जैसा मैंने बताया था आपको, यू कैन सी द ब्लैक सर्कल इज वन काइंड ऑफ, दैट वन इज आई मीन सेंसर। ये जो काला वाला है दैट वन इज द कैन सेंसर। सो लेट इट विल बी डाउन, आप थोड़ा नीचे कर लो इनको, एंड देन यू हैव टू मूव लाइक दिस क्लॉक वाइज, एंड देन द लॉक यू हैव टू डू द एंटी क्लॉक वाइज। दिस वन लॉक आपको एंटी क्लॉक वाइज चलाना है। नाउ यू कैन सी इट्स फॉर्मली इट्स टू टाइट, सो Nobody can open this one। आप इसे घुमाएं कोई भी तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि इसे लॉक किया हुआ है ये। तो अब यदि इसे लूज होता है तो ये निकल जाएगा। तो इंस्टेंट मतलब कोई भी आके निकाल नहीं सकता है इसमें। इसके बाद आई हैव टू आई मीन इंस्टॉल द ऐप्स, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको उसमें एक बार कोड दिया हुआ है, वो इंस्टॉल आई मीन स्कैन करना होगा। और यू कैन पुट द मैनुअल आल्सो, आई विल शो यू ऑन द मोबाइल। सिंस एरी का आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा, तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो टाइम चेक करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ सिंस एरी का। ये इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको इसका मैंने प्रोसेस आगे कर चुका हूँ, क्योंकि आई वांट टू सेव द टाइम। यस नाउ इज ओके। सो यू कैन सी इट शोइंग हियर। तो फर्स्ट आपको ये स्कैन करना पड़ता है, आई एम ऑलरेडी डिड द स्कैनिंग थिंग्स एंड पुट द एवरीथिंग। सो द फ्रंट टायर इज शोइंग 26.7, एंड देन डाउन वन आपको रेयर का, इसमें अभी टेम्परेचर आई मीन एयर प्रेशर कम है, इसमें 20 एटलीस्ट 35 होना चाहिए। यदि आप पहले नहीं यूज़ कर रहे हैं तो 35, नहीं तो 32 चाहिए। तो अब इसमें एयर कम हो गया है ये डालने का, तो इसका सेटिंग आप कर सकते हो। तो एज लाइक जैसे कि आप अलार्म सेट कर दोगे, आई विल शो यू द नोटिफिकेशन। इट्स अलार्म ऑलरेडी इज ऑन, तो आप इसे प्रेस कर लो, टच कर लो, तो इसका आप मिनिमम एंड मैक्सिमम रख सकते हो। तो इसमें मैंने मिनिमम रखा है 25 एंड मैक्सिमम इज 28। सो इफ यू गो बिलो 25 इट विल बी अलार्म, एंड इफ यू गो अबव द 28 इट विल अगेन बी अलार्म। तो अभी ये ऑफ था तो पता नहीं चला मुझे, एंड डाउन का भी सेट किया हुआ है। सो इट्स ऑलरेडी इज लो प्रेशर, इट्स शोइंग लो प्रेशर, एटलीस्ट आपको 32 होना चाहिए। तो मैं लो में रखा हूँ 34, एंड देन मैक्सिमम आपका जो है 40 है ये।
सो इस तरह आप इसका ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन यू इंस्टेंटली यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर द प्रेशर विल गो डाउन, वो आपको अलार्म बजता रहेगा तो यू विल कम टू नो कि चलिए ये हवा कम हो गया है और जो जो टायर का जो टेम्परेचर है वो भी बताता है कितने डिग्री पहुँचा हुआ है। चलिए मैंने आपको सेंस एरी का जो TPMS है, तो टायर प्रेशर मल्टी सिस्टम है, अनबॉक्सिंग करके दिखाया आपको, मैं इंस्टॉलेशन भी दिखाया। ये जो सेंसेरी का मैं प्राइस बताना भूल गया था, ये मुझे 2835 और समथिंग पर है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, साथ ही साथ जो आप नोटिफिकेशन का बेल दबा दें जिससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपका कोई भी कमेंट और सजेशन है, यू कैन गो डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स शूट योर कमेंट, आप कमेंट डाल सकते हो, सजेशन डाल सकते हो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या मेरे वीडियो से रिलेटेड और मेरे चैनल से रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू फॉलो योर एडवाइस एंड सजेशन। चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, कुछ नया लेके आता हूँ, मे बी अनबॉक्सिंग मे बी राइडिंग। तब तक के लिए मुझे विदा दें, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर, खुदा हाफिज़।